ये कहानी है अपने जीवन की समस्याओं के संघर्ष से परेशान एक अकेली लड़की बहन डेमा चोंगडोजो की और परमेश्वर के सच्चे प्रेम की। जय मसीह की। आज हम लेकर आए हैं बहन डेमा चोंगडोजो की गवाही, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। बहन डेमा अपने परिवार के प्रेम से वंचित बचपन से ही अपनी नानी के यहाँ रहती थी। हमको तो बचपन से मेरा नानी नहीं पाला है। मगर कुछ समय बाद नानी के अचानक देहांत होने के कारण बहन डेमा को सहारा देने के लिए कोई नहीं था। कई सारे मोमेंट ऐसे आए कि दिल को दहलाने वाला और लगा कि नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन यशाया 49:15 में यह कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो उसे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ने अपॉइंटमेंट लेटर को निकल के दिखाया तो उसने पढ़ा कि अपॉइंट कर दिया। आज मेरे पास घर नहीं था, परमेश्वर ने घर दिया। तो आइए देखते हैं बहन डेमा की गवाही कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने प्यार को उनके जीवन में प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद करते हूँ कि उसके द्वारा आज मुझे अपना टेस्टिमनी शेयर करने का जो अवसर मिला है। और मेरा नाम डेमा चोंगडोजो है और मैं अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली हूँ और मैं मिजी ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। और हम लोग नेचर के पूजा करते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा, इन सब के हम पूजा करते हैं और साथ में हमारे लोकल पूजा भी होते हैं। तो हम बचपन से हम अपने लोकल पूजास में इन सब में हम शामिल होते थे प्रभु को जाने से पहले। और हम ऐसे होकर ही हम बड़े हुए। और मैं जब 6 साल आधा के था तो मैं मम्मी ने मुझे अपने नानी के पास रख दिया, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम था। छोटा जब था तो मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस करती थी अपने मम्मी पापा को, कि सबके अपने मम्मी है, पापा है, प्यार कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत मिस करता था और कई बार दुखी भी हो जाता था। और कई बार हम अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, बाथरूम में जाके रोता भी था, कि मन में क्वेश्चन आता था कि मेरे मम्मी पापा अगर मुझको प्यार ही नहीं करना है तो पैदा ही क्यों किया है, एक ये क्वेश्चन भी आता था। और इसके बाद में कई सारे सवाल आते थे मन में, जब भी स्कूल जाएगा सबका अपना मम्मी पापा दीदी या कोई भी एल्डर आता था और उन लोगों को ले जाता था या उन लोगों का रिजल्ट देखता था और उन लोगों को शाबाशी देता था। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था, अगर खराब रिजल्ट आया तो गाली दे, लेकिन कभी मेरे पास आना, मेरे साथ चलना, इन सब होता नहीं था। कभी कभी रिक्वेस्ट भी करता था लेकिन कोई ये बात मानता ही नहीं था। तो इसलिए मन में कई सारा मतलब था जो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। दोस्तों को बताओ, उस टाइम में दोस्तों भी बहुत छोटा हुआ करता था और उन लोग, मेरे दोस्त में से किसी का पास ये प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए बताने से भी उन लोग जस्ट लाइटली लेता था। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। इसके बाद में 5, 6, 7 ऐसे पहुँचा। इसके बाद में मेरा एक फ्रेंड था, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि मैं चर्च जाती हूँ और जो यीशु है वो बहुत अच्छा है और वो हमारा हर एक विश जो हम चाहते हैं वो पूरा करते, उसने बताया। तो उनको सुन के थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर हमने सोचा कि जाके देखते हैं। फिर हम संडे स्कूल गया 1-2 बार, तो अच्छा लगा, हम गाना गाया, हमने प्रार्थना किया, अच्छा लगा। तो इसके बाद में मैं एक दिन मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं आज से मैं चर्च जाऊँगी। इसके बाद मैं चर्च जाने लगा
और मुझे अच्छा लगा वहाँ में नए नए गाना गाते थे, प्रार्थना करते थे, इन सब मुझे पसंद लगा क्योंकि वहाँ शांति मिलता था वहाँ पे, क्योंकि लोग हम गाना सुनते हैं और हम प्रार्थना करते हैं खुशी मिलने के कारण हमको अच्छा लगता, इसलिए चर्च दिल्ली जाता था। इसके बाद में कुछ दिन के बाद में वहाँ का यूथ बना, वहाँ में गाना गाते थे, हम आराधना करते थे, इन सब करते थे, लेकिन तब भी हमने परमेश्वर को नहीं जाना। हम क्रिश्चियन बन गया था लेकिन यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है ये नहीं जाना, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल जो जैसा था वैसे ही है। और उस समय तक भी मेरा जो मेरा जो शांति था वो इनकम्प्लीट था, वो बहुत जब चर्च गया उस टाइम में शांति था, उसके बाद फिर से वहाँ से निकलेगा फिर अशांति, इसके बाद फिर ऐसे चलता रहा, जाता था आता था। इसके बाद में धीरे धीरे फिर से अपने लाइफस्टाइल में गुजरते चला गया धीरे धीरे। इसके बाद में धीरे 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 मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि मुझे परमेश्वर को नहीं जानना चाहिए, और बहुत लोगों से पूछा भी, किसी ने भी आंसर नहीं दिया, सबने अलग अलग जवाब दिया। एक दिन एक प्रचारक आया और उसने प्रचार किया कि परमेश्वर का प्यार, तो उस दिन में परमेश्वर के प्यार के बारे में प्रचार किया, ऐसा प्रचार कर रहा था और मेरे मन में मतलब उस दिन फर्स्ट टाइम वो प्रचार सुन के इतना रिलैक्स मिला, इतना मन में शांति मिला कि मेरे मन से आवाज़ आई कि हाँ हमको यही तो चाहिए था। जब ये उस दिन वो प्रचार सुना, इसके बाद मेरे मन बहुत आनंद से भर गया और मैं घर चली गई। इसके बाद मैं घर गया और मैंने प्रेयर किया कि लॉर्ड आज मैंने आपका प्रचार सुना है कि आप प्यार करते हैं, आप बहुत से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाते हैं। प्रभु मैं बहुत परेशान में हूँ, मैं जैसे अवस्था में मैं वैसे रहना नहीं चाहती, मेरे जीवन को आप बदलो, मुझे सिखाओ मैं कैसे रहूँ, मैं कैसे आपके पास आऊँ, मुझे आपका टेस्ट चखना है, आपको जानना है। मैंने ये प्रेयर किया और प्रेयर किया कुछ दिन तक, मैंने इसी विषय के लिए प्रार्थना किया। इसके बाद मैं प्रार्थना करते करते मुझे अंदर से एक जो प्यार का कमी था, परमेश्वर ने अपना प्यार दिया धीरे धीरे हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ में जो हम चाहता था वो कंप्लीट हुआ। जब हम स्कूल जाता था 12th के समय में, उस समय में भी मैं बहुत अच्छे रिजल्ट से पास हुई, क्योंकि कभी अच्छा रिजल्ट नहीं किया था। उस टाइम मैंने प्रेयर किया था कि अगर सच में आप हमसे प्यार करते हैं, अगर सच में आप जिंदा हैं और आप मेरे जीवन में आना चाहते हैं तो मेरे जीवन में कुछ कीजिए। तो उस टाइम में भी फर्स्ट ईयर में और क्लास 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मेरे जीवन में करता गया परमेश्वर, जो पहले कभी नहीं किया, एक अद्भुत काम होते गया और उसको देखकर मुझे विश्वास बढ़ते गया कि यस परमेश्वर है और परमेश्वर सच में मुझसे प्रेम करता है। तो अगर वो मुझसे इतना प्रेम करता है तो मैं भी क्यों ना उससे प्रेम करूँ। तब मैंने सारा चीज़ थी जो मैंने जो करते थे वो छोड़ दिया, और दोस्तों के साथ घूमना था वो छोड़ दिया, और इसके बाद मैं अपना समय परमेश्वर के साथ में बिताने लगा। इसके बाद ऐसे ही परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारा काम करने लगा। बाहरी तौर में लोग देखकर नॉर्मल लगते, लेकिन वो इनर हम फील कर सकते कि वो कितना खुशी है, वो कितना खुश, कुछ नहीं होते हुए भी मैं जो पहला जो परमेश्वर को जानने से पहले कैसे था और उसको गहराई तौर से जानने के बाद में कैसा हुआ, वो डिफरेंट लाइफ हो गया मेरा। अंदर ही खुश रहना, उससे पहले मैं बहुत गाली देते थे, बहुत गंदे गंदे, उसके मेरे गाली ऑटोमेटिक छूट गया और मेरा मन पूरा एक मतलब परमेश्वर की खोजी में रहे कि नहीं हमको गॉड के पास जाना है, गॉड हमसे प्यार करते हैं। तो सारा रिजेक्शन इन सब होने के बाद मुझे पता चला कि सब झूठा है, कि परमेश्वर सच्चा है और वो जो हमसे प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम है। इसके बाद में धीरे धीरे सब अच्छा हुआ मेरे लाइफ में, मैं बहुत इसके बाद परमेश्वर के साथ में मेरा एक अच्छा रिश्ता होते गया और ये सब अच्छा होते सब कुछ होते होते अच्छा ही हो रहा था। तो उस टाइम में फिर से मेरे लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो मुझे पूरा तोड़ दिया। मैं हमको तो बचपन से मेरा नानी ने पाला है, उसने ही हमको बड़ा किया है, अगर मैं नानी चला गया तो मेरा क्या हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा नानी का 7 बजे को सुबह 7 बजे को बीमार हुआ और वो
10:30 को उनका डेथ हो गया। इसके बाद में तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, परमेश्वर तो है लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं, पूरा टूट गया, पूरा अकेला हो गया। और इसके बाद सिचुएशन इतना बिगड़ते गया कि लोग बोलने लगा कि मेरी नानी अंदर में पड़ा हुआ, लोग हिसाब किताब पूरा प्रॉपर्टीज मांग रहा था। तो इन सब देख के बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, इतना मतलब कठोर दिल कैसा हो सकते हैं कि एक लाश अंदर पड़ा हुआ है और लोगों को पैसा का पड़ा हुआ है। इसके बाद में ऐसा हुआ, फिर इसके बाद में धीरे धीरे वो सब ठीक हो गया। इसके बाद में 1-2 महीना 3 महीना इसके बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मेरे साथ में ना मेरा मामा रहता था, मेरे मामा हम दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब होते गया। बहुत वो धीरे धीरे तो हमसे बात करता भी नहीं था और मेरे पीठ पीछे बहुत बोला करता था। इसके बाद में बहुत चीज़ मतलब हुआ कि फिर से घर का जो पहला स्थिति थी फिर वही वाला आ गया कि हम क्या करूँ। हम घर घुसने का मन नहीं करते, कई बार तो हम चर्च जाता था और चर्च में हम अपना रात बिता देता था। तो उसके बाद में फिर ना मेरा इसके बाद में मामी आया, फिर उनके साथ में मेरा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उन लोगों ने किचन जाना, जो जिस घर में पूरा मेरा आज़ादी था, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं क्या बनाऊं सब कुछ आज़ादी था, लेकिन उसके बाद वो आज़ादी भी छीन लिया। एक कप चाय बना के पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो उस टाइम में सिर्फ प्रेयर करता था, फिर हम फिर चल जाता था, बस यही। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि प्रभु ज़रूर कुछ करेगा। इसके बाद फिर हम इसके ऐसा होने के बाद में मेरे नानी का डेथ होने के बाद में 8 महीने के बाद में नोटिस आया घर को खाली करना है, क्योंकि मेरा नानी गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो जो हम लोगों को घर दिया गया था वो गवर्नमेंट का है, तो उन लोग वापस मांगा। फिर इसके बाद समझ में नहीं आया कि क्या करूँ कैसा करूँ। इसके बाद में फिर गया हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है उनके पास गया और उनसे मदद मांगा। उनसे बोला कि मेरा जो मैं अपनी नानी को मम्मी कहता था, माँ कहता था, तो मेरा माँ अब चला गया है, तो वो आपके यहाँ में काम करता था। अगर मेरा कोई नहीं है, मेरा देखने वाला कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, घर नहीं, घर भी छीन लिया गया है, तो आप कुछ भी एक नौकरी दे दीजिए। तो उसने बोला कि तुम्हें तब पढ़ा लिखा है, तुम बाहर में जा रहे हो तो मारेगा नहीं, तुम फील्ड में तो जाएगा नहीं, तो ऐसे बोला। तो जी बोला, लेकिन हमने बोला कि फिर नहीं, हमको कैसा भी काम हो हमको बस करना है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ भी हमको सिर्फ ज़रूरत है। फिर हमने उससे बहुत विनती किया, बहुत बोला कि प्लीज़ आप कुछ भी उनको दे दो। तो उसने एक कंटीजेंसी जो रेगुलर नहीं था, टेम्पोरी एक जॉब दिया। फिर उस जॉब में किया, जब फर्स्ट डे गया तो झाड़ू मारना था, फिर झाड़ू मारा, फिर उनकी टेबल से साफ करना बहुत अजीब लगा करने के लिए, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। फिर भी उनको सोचा कि अगर को दिया है तो उनको करना ही है, तो उन्होंने किया। तो हर रोज़ डेली यही काम करते थे। तो मतलब मेरे नानी के होने के समय का याद करता था कि अगर वो जब था तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, और आज वो नहीं है तो हमको किचन पोछा मारना पड़ रहा है, उनको झाड़ू मारना, बहुत अजीब लगता था। फिर भी मैं करती थी वो, क्योंकि करना था, अगर नहीं किया तो फिर पैसे कहाँ मिले, इतना मेहनत से मिला है, तो फिर किया। इसके बाद में कई बार तो बहुत गाली भी सुना जो कभी नहीं सुना था। मेरे नानी जब होते थे तो कितना प्यार से रखा था, और मतलब भले कैसा भी हो लेकिन झाड़ू इतना ऐसे तो कभी हमारा साथ नहीं हुआ कि हम करना पड़े, जो भी ज़रूरत है वो पूरा हुआ। तो फिर बहुत अजीब लगा, किया, और मतलब कभी कभी तो बहुत दुख लगता था, और बाथरूम में जाके मैं रोता भी था अपना हाल को देख के कि हम
पारा लिखा है, हम पारा लिखा हो कि वे आज हम झाड़ू मार रहे हैं, आज हम बहुत मतलब बहुत दुख लगता था उस चीज को सोच के, और बाथरूम में खूब रोता था, और हम प्रभु से भी बोलता था कि प्रभु हमको ये करना अच्छा नहीं लगता है, हमको बहुत शर्म लगता है कि हम झाड़ू मारो और हम टेबल साफ करो, बहुत अच्छा नहीं लगता, कई बार बोलता था और आंसू पोंछ कर फिर से वापस आ फिर से नॉर्मल काम करते थे। इसके बाद में ऐसे कुछ महीनों तक मैंने काम किया, और उसके बाद मेरा बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देना था, तो एग्ज़ाम देने चला गया, फिर 4 दिन का छुट्टी मांगा, छुट्टी लेके गया, एग्ज़ाम दिया, देने के बाद में फिर बाद में मंडे था, तो उसमें फिर मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, तो वहाँ में जो हम लोगों का हम लोगों का डीलिंग ऑफिसर था, उन्होंने मुझे अपने रूम पर बुलाया और उसने बोला कि तुम्हें एक लेटर लिखना है, तो मैंने बोला कि ठीक है सर, क्या लेटर लिखना है, तो उसने बोला कि रेजिग्नेशन लेटर लिखना है। तब शॉक हो गया, अरे हमने तो 4 दिन की छुट्टी मांगी गया और रेजिग्नेशन लेटर क्यों देना पड़ रहा है, तो शौक था, बहुत चिंता मतलब बहुत दुखी हो रहा था, तो हमने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि आप क्यों हमको रेजिग्नेशन लिखो, तो हमने लिख दिया रेजिग्नेशन लेटर, लिख दिया और लिख के दे दिया, तो फिर एक ब्लैंक कागज़ दिया, उसके बाद हम ब्लैंक कागज़ देने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि फिर से यहाँ में तुम ज्वाइनिंग लेटर लिखो, तो समझ में नहीं आया, अभी तो रेजिग्नेशन लेटर मांगा, फिर से अभी ज्वाइनिंग लेटर क्यों मांग रहे, तो हमने हेडिंग तो लिख दिया, फिर इसके बाद में सर से पूछा कि सर हमको ज्वाइनिंग किस चीज़ के लिए लिखना है, तो उसने बोला कि जैसे मैं डिक्टेट करूँ तो वैसे ही लिखना, ठीक है बोल के लिखा, इसके बाद मैं लिखते ही लिखते ही लिखते ही, तो ऑर्डर नंबर ये वो, तो लिखा उसने उसने लिखा कि हमको अपॉइंट किया गया जो एक अच्छा पोस्ट था, उसमें विदाउट इंटरव्यू का मेरा वहाँ में अपॉइंट किया गया, और लिख दिया और उसके बाद में दे दिया। इसके बाद में सर ने पूछा कि अब तुम्हें समझ में आया कि तुमको रेजिग्नेशन लेटर क्यों लिखने दिया, तो हाँ बोल, तब भी शौक था, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो कन्फ्यूजन भी चल रहा था, तो मैंने सर से पूछा कि अरे सर ये शायद गलती से टाइप कर दिया हुआ, तो सर ने बोला नहीं ये बिल्कुल सही है, तो हम बोला कि सर ये जो पोस्ट बोला है इसमें ऑलरेडी 3 या 4 महीना से कोई और काम कर रहा है, तो सर ने बोला कि हाँ कर रहा था वो, अब नहीं कर रहा, अब ये तुम्हारा है, तो ऐसे में कॉन्ग्रेचुलेट दिया। इसके बाद में तब शॉक होकर और उसके अब दौड़ मार के वहाँ में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ बड़ा हॉल उसका, वहाँ पे गया और वहाँ में बड़े बड़े चेयर था, उनके बीच में छुप गया और घुटना के बल आया, और इसके बाद में हमने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया उसमें, वो रोना खुशी के आंसू था क्योंकि बिलीव नहीं हो रहा था, हम खुद के ऊपर में बहुत देर तक रोया, और परमेश्वर का हमने धन्यवाद किया कि सच में प्रभु आप कितना महान है, कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने बोला था कि परमेश्वर को बार बार कंप्लेन किया था कि कोई ये काम नहीं करना है, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं बोला कि आप मुझे ऊंचा स्थान दो, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तौर से कार्य किया कि किसी और का नौकरी को परमेश्वर ने निकाल के मेरे हाथ में दे दिया, तो ये अद्भुत परमेश्वर का काम में जीवन हुआ, और फिर से गया, फिर से सर से फिर दोबारा मुझे सर सच में उनको अपॉइंटमेंट मिल गया, तो फिर से सर ने बोला कि हाँ, तब सर ने अपॉइंटमेंट लेटर को निकल के दिखाया, तो उसमें हमने पढ़ा कि हमको पोस्ट में ऐसे ऐसे पोस्ट में उसने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद फिर फाइनली बहुत खुश हुआ, फिर से परमेश्वर बहुत धन्यवाद किया, मेरे पास घर नहीं था और परमेश्वर ने घर दिया, घर छीन गया था, वो घर ले गया था, लेकिन फिर से वो घर वापस दिया कि इस घर से ये तुम्हारा घर है और ये घर से कोई निकाल नहीं सकता, अगर कोई निकाले तो मुझको बोलना, वहाँ का हेड ने ये बोला और वो घर मेरा हो गया,
परमेश्वर ने घर दिया, इसके बाद में फिर परमेश्वर ने नौकरी दिया, इतना अच्छा नौकरी कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, मेरा एबिलिटी नहीं था कि वो हमने पा सको, लेकिन परमेश्वर ने दिया, ये पूरा क्रेडिट परमेश्वर पे जाता है। परमेश्वर ने ऐसे मेरे जीवन में काम किया और हर दिन उसने दिखाया कि बेटी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से हमारे प्रेमी परमेश्वर ने बहन डेमा के जीवन को अपने स्वर्गीय प्रेम से परिपूर्ण किया और उनके अकेलेपन को दूर किया और किस तरह से उनके जीवन को आशीषों से भर दिया। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही परेशानी व समस्या है तो उस सच्चे और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो निश्चय ही आपके जीवन को बदल देगा। जय मसीह।